हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं इजहार और आप देख रहे हैं इजहार अशरफ। दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं रिपब्लिक के बारे में। रिपब्लिक डे तो हम और आप कल बहुत हर्षोल्लास के साथ, बहुत खुशियाँ के साथ मनाए और तिरंगा हर जगह लगाए, ऑफिस में, दफ्तर में, जगह जगह पर तिरंगा हम लोग को लहराते हुए देखने का अवसर मिला। और आप और हम दोनों इस राष्ट्रीय पर्व को बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाए। तो दोस्तों, हम आपसे बात करने वाले हैं, क्या आपको पता है कि एक रिपब्लिक कंट्री होने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? हमारा भारत में वो कौन से बातें हैं जो हमारे देश को डिक्लेयर कर देता है कि हमारा भारत देश भी एक रिपब्लिक कंट्री है? दुनिया में कितना रिपब्लिक कंट्री है, कितना डेमोक्रेटिक कंट्री है? उसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि क्या आपको पता है कि एक रिपब्लिक कंट्री और डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या फ़र्क है? तो इस सारी बातों का मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। अगर मेरे चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि मैं जो हर तरह का वीडियोस होता है आप तुरंत देख सकेंगे। और बहुत सारे ढेर सारे वीडियो आप इस चैनल में देख सकते हैं। तो अब शुरू करता हूँ। दोस्तों, रिपब्लिक होने के लिए शर्त है कि अगर कोई देश रिपब्लिक होता है तो उसका मतलब यह होता है रिपब्लिक का कि गणराज्य, यानी मोनार्की, यानी हेरिडेटरी नहीं होता है। ऐसा नहीं कि वंशज से वंशज आते जा रहा है, उसका बेटा राजा है या उसका बेटा प्रधानमंत्री है, उसका बेटा राष्ट्रपति। तो यहाँ मतलब वंशज नहीं चलता है। इसलिए हम लोग को आप ये भी देखते होंगे कि हर पाँच साल बाद एक टेन्योर पे, एक फिक्स टेन्योर पे जो होता है, तो हर कंट्री का अपना अलग अलग होता है। अमेरिका में 4 साल, हमारे देश में 5 साल। तो इस 5 साल के अवसर पे जितना भी मतलब जो जहाँ का रूल के हिसाब से होता है, टेन्योर एक फिक्स ईयर्स होता है, उसके बाद वहाँ इलेक्शन की जाती है, उसके बाद वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है कि कौन नेक्स्ट आने वाला है। उसके बाद जो प्रेजेंट मौजूदा में रहता है वो डिसाइड नहीं कर सकता है कि वो ही बनेगा, इस पावर में आएगा। तो यही बात हम लोग को जो वोटिंग राइट देता है वही हम लोग को डिक्लेयर कर देता है कि हमारा देश भी एक रिपब्लिक कंट्री है। क्योंकि हम लोग 18 साल के बाद कोई भी, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, कोई भी धर्म के हो, जाति वगैरह कुछ भी नहीं देखा जाता है। वो सिर्फ एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है, वो राइट टू वोट, यानी 18 साल के बाद वो वोट कर सकता है। उसके बाद ये सारा बहुत सारे बात है कि हमारे देश को रिपब्लिक घोषित कर देता है। उसके बाद हम आपको बताने वाले हैं कि दुनिया में लगभग 90 रिपब्लिक कंट्री है, उसके बाद 10 डेमोक्रेटिक कंट्री है। और रिपब्लिक हमारा देश जो है इसमें एक अहम भूमिका रहा है अंग्रेज़ों का भी, क्योंकि वो लोग हम लोग के वर्षों से अत्याचार करते आए और उसके बाद हम लोग का लोगों को भारत देश का वो लोग फायदा हो गए कि हम लोग कैसे आज़ादी से जिएंगे। तो उसी वजह से सब हमारा भारतवासी ये आपस में एक मेलजोल कर लिया कि हम लोग अपने हिसाब से जिएंगे, कब तक हम लोग दूसरे की गुलामी में जिएंगे। इसी बातों को रखते हुए 26 जनवरी 1950 को इंडिया को रिपब्लिक कंट्री घोषित कर दिया गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें कि ये बातें आपको पता थी कि नहीं। उसके बाद इस वीडियो को जरूर शेयर करें। फिर से एक बार निवेदन करता हूँ, अगर मेरे चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तब तक के लिए जय हिंद।